मनोज कम्पटेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है प्रमुख पुस्तक एवं लेखक, इससे पहले जो है हम दो वीडियो दे चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तब जो है वो दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, तो आप जो है उस चैनल उस लिंक पर क्लिक करके वो दोनों वीडियो जरूर देखें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो। देखिएगा, ये तीसरा वीडियो है, अभी एक दो वीडियो और जाएगा, आपको मिलेगा, और उसमें जो है लगभग जो आपका आगामी एग्जाम है उससे संबंधित ये पुस्तक हम करवा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कृपया करके आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए लिखा हुआ है कर्म योद्धा ग्रंथ, पुस्तक का लेखक कौन है? अमित शाह। लेकिन ये आधारित किन पर है? नरेंद्र मोदी पर। देखिए आपको याद इसको कैसे रखना है तो देखिएगा, अमित शाह जो है कह रहे हैं किनको? नरेंद्र मोदी के, कह रहे दोस्ती यारी में ना चलता है, अरे तो एकदम कर्म के योद्धा ही। देखिए तो फिर इंसान इस बार फिर प्रधानमंत्री बन गए, नहीं होता ना है, तो कर्म के योद्धा है कौन? नरेंद्र मोदी। ये कौन कह रहे हैं? अमित शाह। यही जो है पुस्तक लिखे हैं और कह रहे हैं किनके बारे में? नरेंद्र मोदी के बारे में। क्या चीज? कि वो जो है कर्म के योद्धा है, कर्म के योद्धा है। तो कर्म योद्धा ग्रंथ का लेखक कौन? अमित शाह। यह किस पे आधारित है? तो नरेंद्र मोदी पर आधारित। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगधनामा, मगधनामा की कौन? निर्मलेंदु, निर्मलेंदु, निर्मलेंदु है ना। तो मगध के नामा, मगध के नामा ले बह तो निर्मल हो, निर्मलेंदु, निर्मल हवा इंदु है ना। मगध के नाम लेना है तो मगध जो है एकदम निर्मल है ना, याद यही रखना है, निर्मल इंदु है। लेकिन आपको याद रखना है मगध के नामा, अरे मगध के नामा वही निर्मल है, आओ निर्मल इंदु है ना, कुमार निर्मल इंदु। अब देखिए अगला है द थीन माइंड मैप का कौन? धर्मेंद्र राय। कह रहा है कुछ ही धर्मेंद्र राय के, मान लिया जाए। कभी कभी देखते होंगे कि एक ही क्लास में दो विद्यार्थी होते हैं, एक तेज होते हैं ज्यादा नंबर ले आए हैं, तो कहते हैं कि भाई तू ज्यादा नंबर ले आया जी, कहता है ना, तो उसको लगा कि ये गलती से ले आया, तो थोड़ा अति शक बुझा, हाँ तो माप ले, चेक कर ले है ना, तो वही जो है तो राय हो तो फिर से चेक कर ले। धर्मेंद्र कह रहा है कुछ ही कि अगर तोरा राय हो तो फिन से, थीन लिखा ले, लेकिन पढ़ना फिन से, माइंडवा के माप ले। धर्मेंद्र कह रहा है कुछ ही कि अगर तोरा राय हो, मन हो, तो फिन से हमार माइंडवा के माप ले। मैप लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे क्या माप है ना। तो द थीन माइंड मैप का लेखक कौन? धर्मेंद्र राय। अब देखिए पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी का लेखक कौन? एस गुरुमूर्ति, एस गुरुमूर्ति। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में अपन चुना केकरा? गुरु के मूर्ति। जैसे देखिए जब चुनाव होता है तब कोई भी उम्मीदवार आपके पसंदीदा होते हैं तो आपके लिए वही जो है लगते हैं कि नहीं इनको जीतना चाहिए है ना, उनको आप गुरु मानते हैं, उनका मूर्ति को, चिन्ह को आप वोट करते हैं है ना। तो वही यहां लिखा हुआ है कि पॉलिटिक्स में अपन चुन, अपन चुन केकरा? गुरु के मूर्ति के, गुरु के मूर्ति है। जैसे आपका जो उम्मीदवार है उनको आप गुरु मान रहे हैं कि नहीं ये जो है अगर होंगे तो हम लोगों का विकास होगा है ना, तो उनका मूर्ति को चुनते हैं है ना, या उनका चुनाव चिन्ह को चुनते हैं और वहां जो है फिर बटन दबाते हैं और उनका वोट करते हैं है ना। तो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो याद रखना क्या है,
पॉलिटिक्स में अपन चूना कवची गुरु के मूर्ति। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, द ग्रेटेस्ट फोल्क टेल्स ऑफ बिहार, लेखक कौन है, नलिन वर्मा। याद कैसे रखना है, देखिए ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है द गेस्ट, गेस्ट गेस्ट जो है अगर बिहार में आता है तो लीन हो जाता है ओकरा में कि ना हमारा ही गेस्ट आए, छोड़ सब काम छोड़ छाड़ के जो है लग जाता है गेस्ट में, है ना, एकदम लीन हो जाता है, न लीन तो सब कहता है कि नहीं ना हो वो लीन, सब उसी को मान रहा है जो काम देगा, ठीक है आपके ही गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है हम उसको भी देखेंगे अपना काम भी देखेंगे, है ना, ये ना कि उनकरे में लीन हो जाए, नहीं ना लीन होना है ना। तो द ग्रेटेस्ट फोल्क टेल्स ऑफ बिहार, याद रखना है कैसे कि गेस्ट ले कहा बिहार में तो ना लीन होना है, लीन नहीं होना है उसको में, है ना, उसको भी देखना है काम को भी देखना है ना। तो नलिन वर्मा। अब देखिए अर्ली इंडियन काकोनी टोनी जोसेफ कह रहा है कि कोची आई लव इंडियन, जोसेफा कह रहा है, जोसेफ है ना, जोसेफा कह रहा है कोची कि आई लव इंडियन टोन देता हो, आई लव इंडियन टोन देता हो जोसेफा, या फिर इस तरह से याद रख सकते हैं आई लव इंडियन, आई लव इंडियन तो कोची को तो टोन देता हो कौन, जोसेफा नहीं तो फिर इस तरह से आई लव इंडियन टोन देता हो ना, तो जो सेफरामा इधर से जो तब सेफरामा ध्यान दीजिएगा, आई लव इंडियन अर्ली इंडियन है ना, इसको याद रखना है कैसे, आई लव इंडियन अरे टोन देता हो ना, तो जो तब सेफरामा, जो तब सेफरामा, जो सेफ है ना, टोनी जोसेफ। अब देखिए बिकमिंग, बिकमिंग का कौन, मिशेल ओबामा। अब देखिए आगे है ये प्रोमिस्ड लैंड का बराक ओबामा, जैसे मान लिया जाए ये दोनों पति पत्नी हैं, तो मिशेल ओबामा जो है बराक ओबामा की कहते होंगे कि चलिए ना हमको फलना चीज खरीदवा दीजिए, चाहे फलना चीज खरीद दीजिए, है ना, तो कहते हैं कि ठीक है हम प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, कौन कर रहे हैं, बराक ओबामा, कि हम आपको खरीदवा देंगे चलिए, है ना। तब गए तो कोची कह रहा है कि ये हमारी पत्नी है जो हमको बचने ना देगा, चलो इकरे बेच देते हैं। तब पूछ रहा है कोची मिशेल से, मिशेल से ओबामा जी पूछ रहे हैं कि कोची बिकमी तोरे बेच दिया भाई, तू कहे फलना सामान ले दे, फलना सामान ले दे, है ना। तब मिशेल ओबामा जो है कि कह रहा है कोची बिकमिंग, तो बिकमिंग के कौन, मिशेल ओबामा, आप प्रोमिस कर रहे थे कौन, बराक ओबामा, तो ये प्रोमिस्ड लैंड का कौन, बराक ओबामा, और बिकमिंग का कौन, मिशेल ओबामा। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए जो है हम करवा रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है, हमारे बातों पे ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है नहीं छूटेंगे। आगे देखिए जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट का है प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश, इसको याद कैसे रखना है, अगर देखते होंगे कभी कभी जो है, कभी कभी जो है, देखिए जो बात हम बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, हम याद करने के लिए ये बात प्रयोग कर रहे हैं। देखिए कभी कभी जो है कोई प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं, है ना, जब वो प्रेम करते हैं और उस प्रेम पर प्रकाश चल जाए, यानी कहने का मतलब कोई देख ले तो न कहता है जान ले तो लिस्ट में नाम आ गलो है, न कहता है जान ले तो लिस्ट में नाम आ गलो, कैसे, तब प्रेम पर प्रकाश चल गया, है ना, प्रेम पर जो है प्रकाश चल गया, यानी कि प्रेम जो है वो कर रहा था जो है वो एक दूसरे को जो है कुछ देख लिया, तो यानी प्रेम पर जो है उसका प्रेम पर जो है प्रकाश आ गया, और प्रकाश आ गया तो जान लो उसका नाम जो है लिस्ट में आ गया, तो जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट का कौन, प्रेम प्रकाश। अब देखिए नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे कह रहे हैं क्या, ये मनोज मुकुंद नरवणे क्या कह रहे हैं कि नेशनल यानी राष्ट्रीय लेवल पर सिक्योरिटी का जो है मेरा चैलेंज है,
एक भी जो है आतंकवादी कहीं से घुस गया ना तो मार के गर्दा उड़ा देंगे। जैसे ये जो है थलसेना के अध्यक्ष हैं, है ना, ये थलसेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे, है ना। तो देखिए नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, ये मनोज मुकुंद नरवणे ये थलसेना के अध्यक्ष थे, है ना। मनोज मुकुंद नरवणे जो है ये थलसेना के अध्यक्ष थे, इन्होंने कहे क्या कि नेशनल लेवल पर यानी राष्ट्रीय लेवल पर सिक्योरिटी के लिए जो है हम चैलेंज करते हैं कि इधर जो है एक भी नहीं हम घुसने देंगे, मार के गर्दा उड़ा देंगे, है ना। तो मनोज मुकुंद नरवणे कह रहे थे कि नेशनल जो है सिक्योरिटी के लिए चैलेंज हम कर रहे हैं, है ना। कौन? मनोज मुकुंद नरवणे। अब देखिए द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा, इसको याद कैसे रखेंगे आप ध्यान देंगे। कभी कभी ऐसा आप कहावत सुनते होंगे रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, उस तरह से हम आपको बता रहे हैं। देखिए रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट भी खेला जाएगा। जैसे कॉमनवेल्थ गेम में बहुत सारे गेम शामिल हैं लेकिन क्रिकेट नहीं थे, है ना, इसलिए हम लोग उस पे फिट कर रहे हैं कि ऐसा रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट भी खेला जाएगा। तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ऐसे भारत का पहले नाम जो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया भी था इस तरह से, है ना। तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट का लेखक कौन? रामचंद्र गुहा। अब देखिए बाय बाय कोरोना, बाय बाय कोरोना का कौन? प्रदीप श्रीवास्तव। प्रदीपा कह रहा है कि देख कोरोना जेमी की ना वैक्सीन आ गया है, है ना, वैक्सीन आ गया है तो जेमा की ना। तो कोरोना कह रहा है कि वास्तव में चल जियो, प्रदीपा से कह रहा है कि वास्तव में चल जियो, तो हाँ वास्तव में चल जाइयो, चल जो ठीक हो, बाय बाय कोरोना, बाय बाय कोरोना, है ना। तो बाय बाय कोरोना का कौन? प्रदीप श्री वास्तव। अब देखिए रिंग साइड, रिंग साइड का कौन? एनके सिंह। रिंग को जो है साइड में रख दिया, कौन? एनके सिंह। अभिनय पे नहीं है, रिंग के साइड में रखो, है ना, रिंग साइड का कौन? एनके सिंह। अब देखिए वुहान डायरी का फॉन्ग फॉन्ग, वुहान डायरी का कौन? फॉन्ग फॉन्ग। अब देखिए आपको पता है वुहान जो है ऐसा चीन का शहर है जहां से कोरोना वायरस का उत्पन्न हुआ था, उत्पत्ति हुआ था, तो वहां जो है वुहान डायरी, इसमें क्या है? फॉन्ग फॉन्ग। जैसे ना रहता है वुहान से कोरोना फैल गया तो फैला तो ना लगता, अरे फन रे फन रे फन फन के भाग जल्दी जल्दी, है ना। तो फॉन्ग फॉन्ग वुहान डायरी का कौन? फॉन्ग फॉन्ग। अब देखिए फियर ऑफ गॉड का बोम देवरा चंद्रवर्धन, बोम देवरा चंद्रवर्धन, इसको याद कैसे रखना है? फियर को बियर पढ़ना है, फियर को बियर पढ़ना है। अगर बियरवा पी लीजिएगा तो सब चीज ऑफ हो जाएगा, सब दिमाग काम नहीं करेगा, आप जो है गॉड के ऊपर निर्भर करिएगा, गॉड यानी भगवान के ऊपर, यानी कि बियर पीला के बाद जो है भगवान ही आपको बचाने वाला है। तो ना कोई पी ले रहता है बियर तो कहता है कि बम्मा के देवरा चंद्रा के बंदरा, देखिए चंद्र बदन लिखा लेकिन पढ़ना किसे, इसने कहता है कि अरे बियर पी ले, कौन पी ले रे, बम्मा के देवरा चंद्रा के बंदरा। तो बियर ऑफ गॉड यानी बियर पीजिएगा तो सब बुद्धि जो है ऑफ हो जाएगा और आपको जो है भगवान आपको बचा सकते हैं। तो ऐसा जो है कौन पी लेता? तो बम्मा के देवरा चंद्रा के बंदरा, बम्मा के देवरा चंद्रा के बंदरा, है ना। तो फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ गॉड या बियर ऑफ गॉड, बियर ऑफ गॉड का कौन? बम्मा के देवरा चंद्रा के बंदरा, है ना। लेगेसी ऑफ लर्निंग का लेखक कौन? सविता छावड़ा। देखिए कह रहा है कुछ ही कि एकदम लर्निंग लर्निंग, है ना, लगल रह एकदम लर्निंग, एकदम सब बिना अनवर रहते यानी कि बिना गैपिंग के लगल रह, लेगेसी ऑफ लर्निंग लर्निंग, तब जो है ये कौन? सविता छावड़ा। सविता कह रहे हैं कि अरे छोड़ा, अगर सफलता चाहा है तो लगल रह, लेगेसी ऑफ लर्निंग, लेगेसी ऑफ लर्निंग, लेगेसी लेगेसी यानी लगल रह सियत रह, है ना, लेगेसी ऑफ लर्निंग का कौन? सविता छावड़ा। अब देखिए लीजेंड ऑफ सुहल देव
का लेखक कौन? अमीश त्रिपाठी। लीजेंड ऑफ सुहेल देव का लेखक कौन? अमीश त्रिपाठी। लीजेंड ऑफ सुहेल देव का लेखक कौन? अमीश त्रिपाठी। अब ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, तो कर्मी योद्धा पुस्तक का लेखक कौन? अमित शाह, आधारित है नरेंद्र मोदी पर। और मगध नामा का कौन? तो मगध के नाम लेगा कुछ एकदम निर्मल से नहीं है, है ना, यानी कि स्वच्छ निर्मल है, तो निर्मल हिंदु। द थीन माइंड मैप का धर्मेंद्र राय, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि इस गुरुमूर्ति। फिर द ग्रेटेस्ट फोल्क टेल्स ऑफ बिहार का नलिन वर्मा। फिर अर्ली इंडियन का टोनी जोसेफ। फिर बिकमिंग का मिशेल ओबामा। फिर ये प्रोमिस्ड लैंड का बराक ओबामा। जर्नलिस्ट का प्रेम प्रकाश। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज का मनोज मुकुंद नरवणे। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट का रामचंद्र गुहा। बाय बाय कोरोना का प्रदीप श्रीवास्तव। रिंग साइड का एनके सिंह। वुहान डायरी का फॉन्ग फॉन्ग। फियर ऑफ गॉड का बॉम देवरा चंद्रवदन। फिर जो है लेगेसी ऑफ लर्निंग का सविता छाबड़ा। लीजेंड ऑफ सुहेल देव का अमीश त्रिपाठी। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया करके इससे पूर्व दो वीडियो और हम दे चुके हैं, वो दोनों जरूर देखिएगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारती, वंदे मातरम। देखिए थोड़ा सा अगर किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हम साइड होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना होता है क्या कि सर थोड़ा सा लास्ट में साइड हो जाया कीजिए, ताकि जो है हम स्क्रीनशॉट करके उसको रिवीजन के तौर पर हम रख सके। तो चलिए आज भर इतना ही। जय हिंद।